ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। हाँ तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो सरप्राइज। हमने तो पहले दिन से जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था। जिस दिन मिनटों में पेश करेंगे, एग्जिट पोल आए, कर रहे हैं तब भी मेरा यही बयान था। हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10-12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था, इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था, अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकालो सारे। नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहे, टिके रहे, क्यों ना, ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है, हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लैंग्वेज निकाल लो कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। सर, लेकिन कांग्रेस के नेता इसी पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अपडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं, ये कई फ्रीक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। तो भाई, सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन, वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं,